अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी जो है मैं वो शूट करने लगी थी, आपको एक एपिसोड तो मिल गई होगी विंटर कलेक्शन की मेरी। सो उसकी जो है वो मैं आज एक और एपिसोड जो है वो शूट करने लगी थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना मेकअप वीडियो भी शूट कर ली जाए। सो मैं आज आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं अपने शूट का जो पिक्चर्स डालती हूँ ना, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो वीडियोस होती हैं उसका जो मेकअप होता है वो किस तरह से कंप्लीट करती हूँ मैं। आज जो है मेरा ड्रेस जो है वो डार्क कलर का है, आई मेकअप जो है वो भी थोड़ा सा डार्क करूँगी। सो चलें जी, मेकअप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सो आजकल जो है वो विंटर्स चल रहे हैं, तो जो फाउंडेशन है उसको अच्छा करने के लिए ना बहुत सारा मॉइस्चराइज़र और जो ऑयल्स हैं ना वो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें। कोई भी ड्राई स्किन है तो अच्छा भला लगाएं, अगर अच्छी फाउंडेशन चाहते हैं तो अच्छा भला लगाएं, ठीक है। अच्छा, वीडियो के लिए जो है ना वो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल अगर मुझे कहीं जाना है तो वो मैं जाहिर है कि मैं मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करूँगी और उसके बाद कोई ऑयल भी अप्लाई कर लेती हूँ, तो वीडियो के लिए जो है वो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता। तो उसके बाद मैं प्राइमर लगा लूँगी। प्राइमर है जी ये, काफ़ी टाइम से मेरा यही चल रहा है, आप कह लो कि पहला प्राइमर जो है वो मेरा यही है, तो बस यहाँ पे ही लगाऊँगी ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, जब तक हम लोगों का जो मॉइस्चराइज़र सारा कुछ सेट होते हैं ना, हम अपने आईब्रोज़ बना लेते हैं। उसके लिए ब्यूटीफाई बाय आमना की ये ब्रो किट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है ये, तो डार्क कलर यूज़ करूँगी मैं। अच्छा, आईब्रोज जो है ना उनको सिर्फ फिल किया करें, उसकी शेप जो है वो नहीं चेंज किया करें, वो बहुत ही अजीब लगते हैं। तो अभी जो है मेरे यहाँ पे देखें बाल हैं तो मैंने निकाले नहीं हैं, ये पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि अम्मा ने मशीन लगाई है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आंखों पे हम लोग हल्का सा प्राइमर लगा लेंगे क्योंकि जो शेड्स हैं ना वो अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो बस एक एक ही लगाऊंगा। अच्छा, बेस कलर का जो कलर है ना आई शेडो वो लगाऊंगी, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना पाउडर से इफ़ेक्ट अच्छा आता है, तो पाउडर जो है वो आंखों पे लगा लूँगी मैं। पहले मैक का पाउडर है और आंखों पे इसको लगा लेते हैं ताकि कोई भी लाइन ना पड़े। ठीक हो गया, ठीक है। अब जो कलर हम अप्लाई करेंगे ना अपनी आंखों के ऊपर वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस की आई शेडो पैलेट और इसमें से मैं ब्राउन कलर यूज़ करूँगी। ब्राउन दो ब्राउन है तो उनको मिक्स कर लूँगी। एक ये ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन, एक ये लाइट ब्राउन है और दूसरा ये ब्राउन है। इन दोनों को मिक्स किया और अपनी आंख पे अप्लाई कर दिया, पूरी आंख के ऊपर अप्लाई करना है आपने। बिल्कुल जो है मैट मेकअप रखना है मैंने आई मेकअप। ये हो गया जी, पूरी आंख के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है, हल्का हल्का अप्लाई किया है क्योंकि मुझे जो है ना बस एक वो उसको कलर देना था आंखों को, ठीक है। ये छोटा वाला ब्रश लूँगी लाइनर वाला, ठीक है, ब्लैक कलर लेके
साथ में शीशा रख लेती हूँ क्योंकि ब्लैक कलर है तो ख़राब हो सकता है। ये ब्लैक कलर लेके ना बिल्कुल अपनी लैश लाइन जो है ना उसके पास पास लगाना है, ठीक है? ये पास पास, बिल्कुल पास पास। छोटा लाइनर वाला ब्रश लेके स्प्रे कर लूँगी, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है, अच्छे से वेट कर लिए इसको। उसके बाद आपके पास कोई भी पेंसिल वाला लाइनर मत यूज़ कीजिएगा इस पर, क्योंकि वो जो है ना वो एकदम से ड्राई हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ, एक मिनट इसको मैं ओपन कर लूँ। सो यहाँ पे आईलाइनर यूज़ करेंगे हम, पानी थोड़ा कम होना चाहिए ताकि अच्छा सा आए, ग्रे ना हो जाए, ठीक है? उसकी टिप बना ली है मैंने। अब इसको जहाँ पे हम लोग ने अपना कलर लगाया था ना वहाँ वहाँ पे लैश लाइन के साथ साथ बिल्कुल वहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है? ताकि जेट ब्लैक आ जाए। आगे बिल्कुल पतली लाइन रखनी है और पीछे जो है वो थोड़ा सा मोटा कर लेना, ठीक है? अच्छा, वैसे अगर ऐसे मेकअप करना हो ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर वीडियो बनानी हो ना वो ही मेकअप घंटा दो घंटे में ख़त्म होते थे, ठीक है? वो है ब्राउन कलर लेके ना, पहले दो ब्राउन कलर लेके उनको अंडर आई में लगाऊंगी। ब्रश के ऊपर ब्लैक लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? तो ब्लैक नहीं लगाना, सिर्फ ब्राउन लगाना है। काजल, काजल है जी, किसका? यह है रिवाज यूके का काजल है, और ऐसा जो काजल होता है ना वो इजीली लग जाता है। अच्छा, आंख को पकड़ के तो चलें जी, अब अप्लाई कर लेते हैं फाउंडेशन जल्दी से। लैशेस जो हैं वो मैं बाद में लगाऊंगी, फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? फाउंडेशन ले रही हूँ मैं मेबलिन का, हल्का सा, बिल्कुल लाइट कवरेज है इसकी। जब मैंने फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा लाइट लिया है, क्योंकि शूट जो है ना उसमें फिर कलर नहीं आता सही से, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। अब हम लोग लगा लेते हैं कंसीलर। कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं मिस रोज़ का, बेस्ट कंसीलर है, बेस्ट। बिल्कुल ही शीशे में चली गई हूँ। ओके, फेस पाउडर जो है वो मैक का यूज़ कर रही हूँ, ब्रश के साथ ही लगाऊंगी। तो कॉन्टोर कर लेते हैं, ब्यूटीफाई बाय आमना का है कॉन्टोर ब्रश, सॉरी कॉन्टोर पैल ब्राउन्जर जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना का है। नोज़ की जो है वो मैं इतनी करती नहीं हूँ, शेप नहीं बनाती। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा ब्राउन इफेक्ट चाहिए, तो मैं इसी ब्राउज़र को और जो ब्लश है ना ब्यूटीफाई बाय आमना का, ये पिंक वाला जो है ना, इन दोनों को मिक्स करूँगी, ठीक है? पहले जो है ब्राउज़र लगा लेते हैं हल्का सा, ये फिर ब्लश, ठीक है? और अब मुझे यहाँ यहाँ लगाना है इसको,
यहाँ यहाँ लैश कर्ल कर लेते हैं। लैशेस जो हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ किसकी हैं, मनीसो की लैशेस हैं और बहुत ज़बरदस्त लैशेस हैं ये। इनको लिया, राउंड राउंड किया। अच्छा, जो मेरी अच्छी वाली लैश ग्लू थी ना वो मेरी घूम गई है किधर, तो ये मुझे नहीं अच्छी लगती ब्लैक वाली, क्योंकि ये अगर गलती से किधर आगे पीछे लगी ना तो वहाँ पे ये अपना कलर छोड़ देगी, ऐसे लगता है लाइनर लगाया हुआ है। लैश लगाना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा, ये इस वाले से बता देती हूँ। अच्छा, आपने जब लैश लेनी है ना, लैशेस लेनी है ना, तो आपने ना इस तरह की लेनी है लैशेस। ये जो एक साइड से थोड़ी होती हैं और एक साइड से जो ज़्यादा होती हैं, विंग्स इनको बोलते हैं, विंग्स वाली, तो वो जो हैं वो आपने लेनी है, ठीक है, वो बेस्ट होती हैं। अच्छा, ये हमने नीचे देखा और ये बिल्कुल अपनी लैश लाइन के ऊपर इसको रखा, हल्का सा पहले रख लें और फिर उसके बाद जो है बाहर की तरफ उसको कर लें। और ये जो है ना ये मेरे इस हाथ से लगती है, लैशेस लगाने से कितना फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही लगा लेते हैं दूसरे भी। शुरू शुरू में ना मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था लैश लगाना, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता लगाते हो ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। सबसे इजी होता है नीचे देके, अपना जो मिरर है ना उसको ऐसे नीचे रखें आप। जो लिपस्टिक के ब्राउन शेड्स चाहिए होते हैं ना वो अम्मा के पास से मिलते हैं, तो वो मैं लेके आई हूँ अम्मी की, तो ये भी मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है। चलें लगा लेते हैं थोड़ी सी। इसके बीच में ना हल्का सा पिंक मिक्स करूँगी ना तो ये अच्छा शेड बन जाएगा। ये तो पिंक में आ गया। चले जी, मेकअप जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, तकरीबन जो है कंप्लीट हो गया, कि मुझे कुछ याद आ जाता है तो मैं लगा लूँगी उसको। मस्कारा, ऐसे मैं जब लैशेस लगाती हूँ ना तो मैं मस्कारा नहीं लगाती हूँ। तो अभी चलते हैं जी, चेंज करते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो शूट जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देखें, बताएं कैसे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
सो जो शूट जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके देखें, बताएं कैसा लगे आपको। तो चलती हूँ फिर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।